हेलो दोस्तों, आज मैं फाइल डेकोरेशन किस तरह से करते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो फाइल डेकोरेशन करने के लिए सबसे पहले तो बहुत सारे असाइनमेंट चाहिए, और उस असाइनमेंट के अंदर बहुत सारे पेपर क्राफ्ट से कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना पड़ता है और बहुत सारा डेकोरेशन करना पड़ता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो मेरे हाथ में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक पेपर है जिसके अंदर मैंने डायोग्राम बनाया है, जिससे आपको भी जो चीज़ मैं बना रहा हूँ उसको बनाने में आसानी रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने डायोग्राम बनाया है वो 11 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर का एक पेपर है, और उसको 1 सेंटीमीटर मैंने चारों तरफ से छोड़ दिया है। और इस चीज़ को हम फोल्ड करेंगे और बीच में डील का जो हार्ट है उसे हम कट करेंगे या सीधा पेस्ट करेंगे। जो भी आप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से मैं पेस्ट ही करूँगा। और दूसरा, एक पीछे के लिए, ये चीज़ के लिए पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी मैंने यहाँ पे रखा है, और साथ में आप देख सकते हो कि एक हार्ट पे बना के मैंने रखा है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग पेपर में करनी है जिससे और ज़्यादा बढ़िया हमारा असाइनमेंट तैयार हो। तो चलो मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से करना है। We'll be right back.
असाइनमेंट अभी मैंने बनाया है उसमें और एक आर्ट एंड क्राफ्ट मैं ऐड कर रहा हूँ, तो किस तरह से मैं ड्राइंग करूँगा, पेपर कटिंग करूँगा और पेपर फोल्ड करूँगा और किस तरह से वो प्रोजेक्ट तैयार करूँगा उसका डायोग्राम मैंने यहाँ पे दिखाया है। आप मेरे हाथ में देख सकते हो कि 6x8 सेंटीमीटर का मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है जिसमें 4 पीसेस मैंने की है जो अलग अलग रंग की है, और दूसरा एक लेस रेक्टेंगल बनाया है जो 21 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर का है, और एक छोटी सी लेस और पट्टी लगाई है और एक अलग कलर का पेपर। तो इस डायोग्राम के अनुसार हमें पेपर कट करने हैं और मैं किस तरह से प्रैक्टिकली आपको काम करके दिखा रहा हूँ वो ये वीडियो पूरा देखिए, जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि क्राफ्ट किस तरह से होता है और प्रोजेक्ट सुंदर किस तरह से बनाया जाता है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर।